नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है वाइल्ड मूव फिटनेस चैनल में। जैसा कि हमने लास्ट सेकंड वीडियो में बात करी थी इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में, और जाना था कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है, कैसे काम करती है, आप क्या मेथड फॉलो कर सकते हैं, क्या उसके बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट्स हैं। बट आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो कर रहे हैं तो आप अपने उस इंटरमिटेंट फास्टिंग के प्रोसेस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने वेट लॉस गोल को कैसे आसानी से पा सकते हैं। आज के इस टॉपिक पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को दबाइए ताकि कोई भी आप अपडेट मिस ना करें। और साथ ही में आप विजिट कर सकते हैं wildmovefitness.com जहां पे आपको मिलेंगे हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड कंटेंट। तो चलिए वापस आते हैं और बात करते हैं कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को कैसे इम्प्रूव करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ 9 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्रिपेयर किए हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे अपने गोल्स को अचीव करने में। नंबर 1, आप किस टाइम पे इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। वैसे तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के लिए कोई भी ऐसा फिक्स टाइम नहीं है, आप अपने शेड्यूल के हिसाब से सूटेबल टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मॉर्निंग पर्सन हैं या मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हैं या फिर आपको मॉर्निंग में ज़्यादा भूख लगती है तो आप 9 AM to 5 PM की एक ईटिंग विंडो रख लीजिए और बाकी टाइम फास्टिंग करिए। यदि आप लेट उठते हैं या फिर आपको शाम को ज़्यादा भूख लगती है तो आप 1 PM to 9 PM की एक ईटिंग विंडो रख लीजिए और बाकी टाइम फास्टिंग करिए। नंबर 2, आप सुबह सबसे पहले क्या करें। सुबह सबसे पहले उठने के बाद आप लेमन वाटर लीजिए, 3 से 4 चम्मच लेमन का रस 1 गिलास हल्के गर्म पानी में मिला के पीजिए। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी, आपको दिन भर के लिए विटामिन सी मिल जाएगा और साथ ही में आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी। नंबर 3, कार्डियो या फिर एक्सरसाइज को कब करें। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करते हैं तो कार्डियो या फिर एक्सरसाइज को करने का सबसे बेस्ट टाइम है कि उसे आप ईटिंग विंडो स्टार्ट होने के पहले करें। ऐसा करने से क्या होगा, आपकी बॉडी स्टोर्ड फैट को यूटिलाइज करेगी एनर्जी के लिए, उसे बर्न करेगी। और अगर आप एक्सरसाइज या कार्डियो ब्रेकफास्ट के बाद करेंगे तो आपकी बॉडी को एनर्जी मिल गई है तो वो उसी एनर्जी को यूज़ करेगी और स्टोर्ड फैट को बर्न नहीं करेगी। तो सबसे बेस्ट टाइम है कि आप ईटिंग विंडो से पहले अपना वर्कआउट करें। नंबर 4, कितना खाना खाएं इंटरमिटेंट फास्टिंग में। जो सबसे ज़रूरी पॉइंट है इंटरमिटेंट फास्टिंग में कि आपको कब खाना खाना है और कब खाना नहीं खाना है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी खाएं, आपको बैलेंस डाइट लेनी है। अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड कीजिए, कॉम्प्लेक्स कार्ब ऐड कीजिए, फाइबर ऐड कीजिए और जंक फूड से बिल्कुल दूर रहिए, ओवर ईटिंग भी ना करें। नंबर 5, डिटॉक्स वाटर। आप खाना खाने के बाद या फिर फास्टिंग के ड्यूरेशन में डिटॉक्स वाटर लीजिए। डिटॉक्स वाटर से क्या होगा, आपका जो फैट लॉस प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाएगा। डिटॉक्स वाटर बनाने के लिए आपको 400 ml वाटर लीजिए, आधा चम्मच उसमें अजवाइन, आधा चम्मच दालचीनी और काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच उसमें अदरक का रस, ये मिला के उसे बॉईल करिए थोड़ी देर और ठंडा होने के बाद उसे पीजिए। आप अपने डिटॉक्स वाटर में लेमन को भी ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के लिए। नंबर 6, ब्रेकफास्ट में क्या खाएं। जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपकी बॉडी का ग्लाइकोजन लेवल डाउन हो जाता है और वर्कआउट के बाद आपकी बॉडी उस ग्लाइकोजन लेवल को फिर से स्टोर करने लग जाती है, साथ ही में मसल रिपेयर प्रोसेस को भी स्टार्ट कर देती है। तो इसी वजह से आपका जो ब्रेकफास्ट होना चाहिए वो सबसे ज़्यादा हेल्दी होना चाहिए, उसमें आप प्रोटीन और कार्ब अच्छे से ऐड कीजिए। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि आप ब्रेकफास्ट कैसे प्रिपेयर करेंगे। आप अपने ब्रेकफास्ट में ऐड कर सकते हैं 2 whole egg और 4 egg whites। वेजिटेरियन लोग चने या मूंग के स्प्राउट्स ले सकते हैं या फिर पनीर ले सकते हैं। साथ में आपको लेना है 1 छोटी कटोरी ओट्स या दलिया दूध के साथ, और आप ले सकते हैं 1 फल अपनी कोई भी पसंद का। तो इसी तरीके से आप भी अपना एक हेल्दी ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर सकते हैं अपने हिसाब से। नंबर 7, दूसरे मील में क्या लें। जो आपका दूसरा मील होगा वो कम कैलोरी का होगा और उसमें फाइबर ज़्यादा होगा। आपको एक मैं एग्जांपल बता देता हूँ कि आप दूसरे मील में क्या लेंगे। 1 आप टमाटर लीजिए, 1 शिमला मिर्च लीजिए, 1/4 कटा हुआ पत्ता गोभी, 1 कप बीन्स लीजिए, 1 कप मशरूम, 1 कप ब्रोकली और 1 चम्मच दालचीनी और काली मिर्च पिसी हुई और 1 चम्मच बारीक कटी हुई अदरक और लहसुन। इन सभी चीज़ों को आप पानी में डालिए और उसको बॉईल कीजिए 5 मिनट तक। आप 1 से 2 चम्मच लेमन जूस ऐड कीजिए उसमें और ठंडा होने के बाद इस मील को कंज्यूम करिए। नंबर 8,
आखिरी मील। आप आखिरी मील को ईटिंग विंडो स्टार्ट होने से आधा घंटा पहले लेंगे। आप अपने आखिरी मील में ऐड कर सकते हैं एक छोटी कटोरी दाल, दो मल्टीग्रेन रोटी, सलाद, एक कप छाछ और फ्राइड वेजिटेबल्स। नंबर 9, कितनी नींद लें। एक रिसर्च से ये पता चला है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के ड्यूरेशन में आपका ग्रोथ हार्मोन्स लेवल बढ़ता है, साथ ही में आपका बीएमआर बढ़ता है जिससे आप ज़्यादा कैलोरी बर्न करते हैं। लेकिन आपका ग्रोथ हार्मोन लेवल तभी बढ़ेगा जब आप अच्छी नींद लेंगे। आप कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए और नींद लेने से 1 से 2 घंटे पहले आप कॉफ़ी या चाय मत लीजिए। अगर आप ज़्यादा कॉफ़ी या चाय लेते हैं तो उससे आपको नींद नहीं आएगी। तो ये थे वो सारे पॉइंट्स जिनसे आपको मदद मिलेगी अपने इंटरमिटेंट फास्टिंग के प्रोसेस को इम्प्रूव करने में और वेट लॉस गोल्स को अचीव करने में। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।